नमस्कार साथियों, आज हम बात करें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीटी रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन करेगा हाल ही में 22,000 ग्रुप डी के पदों की भर्ती। हरियाणा सरकार के द्वारा 2023 में ग्रुप डी की सबसे बड़ी भर्ती करने जा रहा है। इसी के साथ जो 2023 का जो वर्ष रहेगा, हरियाणा में सरकारी नौकरी या यूँ कहें गवर्नमेंट जॉब्स का भंडार लेकर आया है। अब हम बात करते हैं कि अगले सरकार की जो सीईटी ग्रुप सी का परिणाम घोषित करने के बाद अब सरकार की पॉलिसी है ग्रुप डी का पेपर करवाया जाएगा। उसके बाद हरियाणा सरकार ने कि ग्रुप डी की भर्ती करेगा। इसी के साथ हरियाणा सरकार के द्वारा अभी हाल ही में एक ग्रुप डी के जो 22,000 पद भरे जाने हैं, इससे संबंधित एक सूचना के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ग्रुप डी की जो भर्ती है वह सामान्य पात्रता परीक्षा के बाद इस पद की भर्ती की जाएगी। पहले यह परीक्षा 10 व 11 मार्च को होनी थी और विचार किया जाता है। ग्रुप डी के जो 22,000 जो पद हैं भरे जाने हैं, इस बारे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष श्री भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप सी की सीट का जो आर्थिक आधार पर जो अंक दिए गए थे, उन अंकों को लेकर विद्यार्थियों में आय प्रमाण पत्र देने को कहा गया है। एक लिंक जारी कर दिया गया है, इसमें अभ्यर्थी 100 घोषित प्रमाण पत्र लगा सकें। जल्द ही इस कार्य को पूरा किया जाएगा। तो साथियों, ऐसा है, सरकार के द्वारा अभी हाल ही में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा फिलहाल एक बहुत बड़ी अपडेट है। इस अपडेट में सरकार के द्वारा एचएससी की 22,000 पदों की जो भर्ती है वो करने जा रही है। ग्रुप डी की जैसी ही आपकी ग्रुप डी का जो सीटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट या सामान्य पात्रता परीक्षा ग्रुप डी का होने है, उसके तुरंत बाद ही एडवर्टीजमेंट निकाल दी जाएगी गवर्नमेंट जॉब की, और उसके बाद डायरेक्ट मेरिट के आधार पर ग्रुप डी में चयन किया जाएगा। और ग्रुप डी में इंटरव्यू नहीं है और आपका मेरिट के आधार पर एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के या एक्स रेफरेंस के जितने भी कैटेगरी वाइज जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग अपने इसमें ग्रुप के अकॉर्डिंग इसे भर्ती कर दिए जाएंगे। तो सबसे सरकार की महत्वपूर्ण जो सूचना थी वह आपके साथ है।